सो फ्री स्पेशल क्लास में आज रात को हम करने वाले एग्जाम स्पेशल सीरीज जिसके अंदर कम्युनिकेशन के एमसीक्यूज करेंगे ठीक है मेक श्योर टू गेट इट सो so, uh, आन अकेडमी पे अगर आपको कंप्लीट कोर्स भी देखना है ना तो हो चुका है लेकिन आप अभी भी देख सकते हो आने अकेडमी पे नवदीप कोर् सर्च करेंगे एंटी यूजीसी नेट पे क्लिक करके मेरी प्रोफाइल में कंप्लीटेड कोर्स पे क्लिक करेंगे मेरी, मेरी फोटो पे क्लिक करना कंप्लीटेड कोर्स पे क्लिक करना देन आपको ये भी मिल जाएगा इसका नाम है कंप्लीट कोर्स इन पेपर वन थ्रू प्रीवियस क्वेश्चन जिसमें नाइनटी लेसन है तो ये वाले से आपका लेटेस्ट ही कंप्लीट हो सकता है ठीक है हर या आप अकेडमी का जो सब्सक्रिप्शन है इसका प्राइस बढ़ रहा है वन मंथ या थ्री मंथ वाले सब्सक्रिप्शन के लिए प्राइजेस कुछ इस तरीके से हैं आप uh, चेक कर सकते हैं ट्वेंटी नाइन हंड्रेड वाला थर्टी वन हंड्रेड नाइनटी ऐसा एंड ऑल्सो आइकॉनिक के प्राइस भी इंक्रीज हो रहे हैं अगर आप इस इंक्रीज प्राइस से बचना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यू कैन गो नवदीप लाइव इज द कोड फॉर अनलॉकिंग एंड फॉर टेन परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आके अपने क्रेडिट्स को भी रिडीम कर लेना ठीक है सो so, मेरा डिटेल कॉमर्स का भी कोर्स चल रहा है जिसके अंदर मैं एक्सपेक्टेड एम सी क्यूज़ करा रही हूँ प्लस क्लास में एंड uh, पेपर वन का भी कोर्स चल रहा है और प्राइस हाई का अलर्ट मैंने आपको बता ही दिया है ठीक है प्लस या एकॉनिक में से चूज़ कर सकते हैं आइकॉनिक के अंदर प्लस के अंदर जो स्टडी होती है वो एग्जैक्टली सेम होती है और आपको पर्सनलाइज कोर्स भी मिल जाते हैं डाउट सॉल्विंग भी मिल जाती है और आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कराते हैं ठीक है मटेरियल जो है वो पेपर बैक में भी मिल जाता है तो so, सब्सक्रिप्शन के लिए आप नवदीप का लाइव कोड लगा सकते हैं क्योंकि ये जो प्राइसेस है ये जल्दी इंक्रीज भी होने वाले हैं ठीक है और इससे हल की सस्ता भी हो जाएगा और डिस्काउंट भी हो जाएगा मॉक टेस्ट भी में मिल जाते हैं सेल्फ स्टडी वाले पे जाते हैं तो ठीक है सुबह-सुबह तुम्हें नींद आ रही है सो जाओ फिर बाकी सबको पढ़ने दो अच्छा So, अगर आप आइकॉनिक वाला लेते हैं तो उसके अंदर कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल्स रिसर्च मेथोडोलॉजी रिसर्च पेपर लिखना ये सब भी सिखाया जा रहा है ठीक है so, सो ऐसा ना प्राइस पहले ज्यादा होते हैं फिर नवदीप लाइव कोड लगा के अप्लाई करके प्राइस देखो कम हो गई प्रोसीड पे करते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और रिडीम पे क्लिक करते हैं ठीक है ओके सो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमारे चल ही रहे हैं आजकल क्योंकि अब तो एंड टाइम में तो मैं कराती होती तो ये कुछ डिफरेंसेस है और कोर्स ऑन कॉमर्स भी चल रहा है जिसमें मैं बैंकिंग करा रही हूँ आठ दिन बचे हैं हाँ जी वो तो निकालने ही पड़ेंगे भाई अन अकेडमी वाले चेक करते हैं बाद में ये सब बताया कि नहीं बताया तो पैसे काट लेंगे अच्छा ठीक है सो ये स्पेशल स्लाइड हमने घर से थोड़ी बनाई है उन्होंने तो दी है क्रैक एन टे यूजीसी नेट विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म स्पेशल क्लासेस में आपको मिल जाता है इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस पोल रेज द हैंड और उसके अलावा आपको नोट्स में मिल जाते हैं पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड कभी भी कहीं पे भी किसी भी समय पे देख सकते हैं देखो जी जो पोल है पोल के अंदर आप आंसर करते हैं और उसके अंदर रैंकिंग भी आती है रेस द हैंड है उसमें बच्चे कभी गाने सुनाते हैं कभी अपने डाउट पूछते हैं ठीक है तो रेस हैंड का भी पूरा यूटिलाइजेशन हम कर लेते हैं चलो रिकॉर्डेड वीडियो के लिए नवदीप को सर्च करना है मेरी प्रोफाइल में आके आपने देखना है

हाई हेजार्ड वेस्ट में कंटेन तो इसमें क्या होता है मैं बोल देने आई थी इस चैनल में बोल रही है अवधेश जी हैप्पी बर्थडे स्टे ब्लेस एंड खुश रहे ऑल द बेस्ट फॉर योर जे एफ टू सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें एफ लेकर आ सकते हैं ओके सो हाई हजार्ड वेस्ट में कंटेन एवी डी यानी कि पैथोजन्स होते हैं पैथोजन्स क्या होते हैं इसके अंदर वायरल प्रोटोजोआ ये सब आते हैं एंड देन रेडियो एक्टिव वेस्ट से भी बहुत ज़्यादा इश्यू होता है जैसे रेडिएशन निकलती है या फिर अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट फट जाता है तो आप देख सकते हो रोशिमा नागरसाकी में कितना ब्लास्ट हुआ था और उनके डी एन ए में ये पहुँच गया था फिर उसके बाद नॉन रिएक्टिव सबस्टांस कॉमन सेंस की बात है कि ये जब रिएक्ट नहीं कर रहे तो दिक्कत कहाँ से देंगे हमें

तो मुक्तस कैसे मिलेगा वहाँ पे तो वो वाली ईमेल आईडी आखिरी वाले कॉलम में दिखनी है जो उधर है अगर आपकी ईमेल आईडी मेन और वो वाली अलग है तो बता दिया भाई अब आते हैं नेक्स्ट अब मेरे चैनल वाले सारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अभी लेटेस्टली एक दो वीडियो जो है उनके नीचे लिंक दिया हुआ है वहां से भर देना फॉर्म आइडेंटिफाई करो सही सीक्वेंस एनर्जी सोर्स का इन टर्म ऑफ देयर हीट कन्वर्शन इन इंक्रीजिंग इन वाटर नाइस nice. सो so, यहाँ पे ना कुछ डाटा होता है इस डाटे को पढ़ना पड़ेगा है ना हाँ बिल्कुल तो ये कहाँ गए अपने टेलीग्राम वाले इनको दोबारा बोलते हैं है? सबस... जो क्या डाटा है देखे कि सब जो हाइड्रोजन है ना हाइड्रोजन में कार्बन डाइऑक्साइड का कम एक मिनट सीक्वेंस बताओ इन टर्म ऑफ दियर हीट कम्बिशन इंक्रीजिंग इनका हीट कम बढ़ता रहता है नीचे से लेकर ऊपर तक बढ़ रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन मिथेन इथेन प्रोपेन बुटेन पेंटेन कैरोसिन पैराफिन वैक्स डीजल कोल वुड तो इनको ध्यान रखो समझे तो ये सीक्वेंस आएगा पेपर में जैसे कि इसने नीचे से पूछा है तो वुड के बाद आ गया यहाँ पर ड्राई वुड ड्राई वुड के बाद आ गया फैट ऑयल्स ऑयल्स आपके ये सारे ऑयल हैं ये डीजल uh, हो गया कैरोसिन हो गया बुटेन हो गया ऑयल है उसके बाद फिर आता है मिथेन सबसे ऊपर उसके ऊपर भी फिर हाइड्रोजन आ सकता था हाइड्रोजन का ऑप्शन नहीं है समझे हाँ जी सो so, इसके वो वो वाला सीक्वेंस कर लेना क्योंकि पेपर में आ ही रहा है आपने देखा तो मैं थोड़ा आगे चलती हूँ इन केस ऑफ विच ऑफ़ फॉलोइंग पोल्यूटेंट प्राइमरी पोल्यूटेंट मैनमेड कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है ग्लोबल लेवल पे एज कम्पेयर टू देर नेचुरल रिसोर्स नेचुरल से इसका कंट्रीब्यूशन uh, थोड़ा कम होता है लेकिन मैनमेड का ज्यादा होता है वो बताना है आपने तो सल्फर डाइऑक्साइड सही बात है क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसमें सबसे ज़्यादा ये इंडिया भी एक सब इंडिया नंबर वन पे आ रहा है सल्फर डाइऑक्साइड के मीटर के रूप में ठीक है येस और वैसे भी इसके जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो कौन से होते हैं ज्वालामुखी फटना ये सब अभी रिसेंटली फटा भी है गई ज्वालामुखी वल कैनो ब्लास्ट हुआ है कहाँ हुआ है बताओ मैंने कल ही न्यूज में सुना था और फिर उसके बाद आ, इसके एक्चुअली नेचुरल रिसोर्स हो गए हमारे व्हीकल से रिलीज हो रहा है ठीक है हाँ जी हाँ इससे अल्टीमेटली एसिड रेन भी होती है तो ये इन जो मैन का रिसोर्सेज है इसके ज़्यादा हैं और नेचुरल रिसोर्सेज इसके थोड़े कम हैं इनमें से कौन सा वाला मिनिमम डेवलपमेंट गोल में आता है हाँ हाँ स्पेन में ना येस yes. Good to all. So, fourth, अरे यार ऐसे गलती मत किया करो मैं बता रही हूं. Fourth is correct answer here. तो करना को को बोला गया है है पर ठीक इस चीजों समझो 8 development में क्या क्या आता है एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर को हटाना है प्राइमरी एजुकेशन हो गया फोस्टर करना है जेनरिक्वालिटी इनफेक्ट मोर्टैलिटी को कम करना है हेल्थ को इम्प्रूव करना है इन्वायमेंट सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए मलेरिया वगैरह डिसीजेस से बचाना है समझे तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज है है नहीं है, तो करना yes, एनर्जी वाला NAPS में. NAPS, national, uh, करके जो जितने भी है ना उसके अंदर है इंश्योर ट्रिपल ई इंश्योर एनर्जी रीजन आ गया रिवर बहुत ज्यादा वैल्यू होती है उनमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की प्रोड्यूस फॉल स्मेल उसमें बहुत घटिया स्मेल करते हैं वो रीजन एनारोबिक बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करता है वो, वो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है क्या बताओ एनारोबिक बैक्टीरिया मैं समझाऊंगी भी पहले आप इसको बेस्ट दो फिर मैं बेस्ट समझाऊंगी हाँ क्लाइमेट चेंज वाला उसमें भी दिया हुआ wrong, है इज रॉन्ग जो एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहते हैं और जो एनारोबिक होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं रहते तो इसका मतलब ये जो प्रोड्यूस करते हैं वो नाइट्रोजन करते हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन नहीं क्योंकि ऑक्साइड की मात्रा उसमें अवेलेबल नहीं होती है ठीक है नहीं तो वो खराब हो जाएंगे ये वो है क्या वैसे एक्चुअली ये बैक्टीरिया है एक ऐसे माहौल में रहते हैं अदरवाइज हम इनकी कंपोस्टिंग भी करते हैं यानी कि खाद बनाने के काम भी आते हैं मैन्योर इन पोल्यूटेड अर्बन एरिया विच आर फॉलोइंग्रेशन इन फोटोकेमिकल स्मोक किसका सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन है फोटोकेमिकल स्मोक Yes. सामने से हटते नहीं हूँ क्यों मैं तो साइड पे हूं सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं तो सामने से सा हटूंगी क्यों मेरी क्लास है मेरी मेरी स्लाइड है अच्छा कार्बन मोनोक्साइड तो अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंसेंट्रेशन कार्बन मोनऑक्साइड का होता है फोटोकेमिकल स्मोक में ठीक है सो तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा शेयर <laughs> उसके अलावा उसके अलावा फिर सल्फर डाइऑक्साइड फिर उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड फिर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देन मैटर्स अगर आपने ये समझना है कि हाँ जी हमें देखा भी चाहिए क्वेश्चन हाँ तो जो दिखना चाहिए तो मैं साइड हो जाती हूँ कार्बन ऑक्साइड का सबसे ज्यादा सोर्स कौन सा है ट्रांसपोर्टेशन और और सल्फर ऑक्साइड का सबसे ज्यादा सोर्स है वैसे सॉलिड डिस्पोजल लेकिन ये सोर्स कम है ऐसे ही नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो सोर्स है वो है कंबशन फ्यूल्स ठीक है ऐसे ही पार्टिकुलेट मैटर होता है मिट्टी जो धूल उड़ती रहती है उसको बोलते हैं <laughs>

अगला क्वेश्चन आ गया लेक्स जो होती है वो ससेप्टिबल है पॉल्यूशन के लिए देन रिवर्स क्या लेक में ज्यादा पॉल्यूशन होता है रीजन वाटर इन लेक में टेक टू रिप्लेस उसको सालों लग जाएंगे रिप्लेस होने में अब देखो साइड तो क्या साइड हो हां जी ये बहुत हर करेक्ट क्योंकि जो लेक होती है ना झील झील बड़ी संक्री होती है मतलब पतली सी होती है इस वजह से ठीक है और जो पानी है आ, लेक में उसको काफी टाइम लग जाएगा क्योंकि उसको क्लीन करने में बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग लगती है जबकि अगर हम खुला पानी की बात करेंगे ना अगर आ, जैसे कि रिवर रिवर ओपन होता है एज कम्पेयर टू रेक लेक तो नेचुरल प्रोसेस से भी कहीं ना कहीं क्लीन होता रहता है अगर हम नहीं भी करेंगे और उसको उसके अंदर वो नेचुरल प्रोसेस से भी क्लीन हो सकता है क्योंकि वहां पर सन रेज से क्या होता है um, होते हैं जैसे कि मैंने आपको सोलर पूल के बारे में बताया था सोलर पूल के बारे में सबको तो सोलर पूल एक तरीके से नेचुरल प्रोसेस है जो कि पानी को स्वच्छ साफ करता है ठीक है तो वहां पे हो सकता है ऐसा तो यही है समुद्र और बड़ा है उधर और साफ हो जाता है कभी आप समुद्र के किनारे गए हो गए होंगे वैसे सो so, वहां पे ना शाम को गए हो शाम को तो सुबह आप देखो ना बड़ा साफ साफ सा दिखाई दे रहा है लेकिन शाम को समुद्र में यानी कि सी में नेचुरल प्रोसेस से ही वहां पे जो कूड़ा करकट होता है वो सारा बाहर आ जाता है इतना अच्छा है ये मतलब नेचुरली कि जितना भी बॉटल्स लोगों ने फेंकी होती है या मास्क फेंके होते हैं कुछ और फेंका होता है वो रात को बाहर फेंक देता है और फिर उधर क्लीनिंग वर्क होता है तो फिर वो हटाया जा सकता है वहां से हां जी अगला क्वेश्चन आ गया है मैचिंग करनी है इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल और उसके साथ साथ एक्शन प्लान को मैच करना है यस yes. ओके okay. बच्चे कह रहे हैं स्टूडेंट के साथ मैं बदतमीजी कर रही है तो बेटा यहाँ डांस कर रही हो तो? तुम निकलो क्लास से अब की मैंने बदतमीजी इसको कहते एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ठीक है जिसको क्लास में रहना रहे मैं जबरदस्ती पकड़ के बैठे तुम्हें मैं पकड़ के बैठी हूं डंडेवा के बैठाया यहां पर क्यों यहां पे ऐसे रहे हो फिर जिसको रुकना रुके नहीं रुकना ना रुके पेरिस अग्रीमेंट पेरिस अग्रीमेंट में नेशनली डिटर्मिन जो कंट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने अपने अपने डिसाइड किए ठीक है ये सिंपल सी बात है कोई भी अगर ज्यादा ओवर कर रहा है मतलब एक बार हो गया तो बार हो गया तीन बोले ठीक है ज्यादा ओवर कर रहा है भगा दो अपने मस्ती में अपना पढ़ाई में ध्यान दो ठीक है जो भी है लाइफ में यही चलता है एक सौ लोग हमें पता क्या होता है एक गुस्सा भी है ना एक हमसे नाराज़ है जैसे अगर डिसलाइक डिस खुद तो दो डिसलाइक है लेकिन उसके बाद लाइक ज़्यादा है तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए ठीक है तो जो हमसे एक तरीके से अब इससे हमारा ध्यान ना सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पर जाता है मैं बाकी बच्चों को बोल रही हूँ एक को नहीं बोल रही तो नेगेटिव चीज़ के बजाय हम ये देखो कि इतने सारे बच्चे हैं जो पॉजिटिव भी तो हैं है ना तो फिर हम उनके लिए पढ़ा रहे हैं और जो नेगेटिव है वह वहाँ पे कर ही कह रहे हैं वो निकले यहाँ से सो क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान में क्या है सो so, इसके अंदर ये इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स वाला दिया हुआ है तो ये आ, क्या है नैप्स नेशनल वाले जो है वो नैप्स हैं उसके अंदर टोटल एट है ना सहवाग हाई क्लास प्लेयर सहवाग सहवाग हाई क्लास प्लेयर वो वाला देन क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल इनिशियल ट्रेडिंग से रिलेटेड है सो मॉन्ट्रल प्रोटोकॉल में ओजोन को बचाने के लिए कहा गया है पेरिस अग्रीमेंट में सभी कंट्रीज ने अपने अपने टारगेट डिसाइड किए जो कि हमें ट्वेंटी थर्टी तक अचीव करने हैं ठीक है ठीके? हाँ जी देन क्लाइमेट एक्शन प्लान इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स सो ये एक्चुअली क्लाइमेट एक्शन प्लान के अंदर बोला नेशनल यार एक नेक्स में एक का याद नहीं आ रहा तुम बताओ नेशनल अग्रीमेंट्स नेशनल मिशन है वो सारे अच्छा फिर आते हैं आगे सीरियस थ्रेट ह्यूमैनिटी के लिए क्लाइमेट चेंज के लिए um, कौन है क्योटो प्रोटोकॉल है मेनली सो so ये था इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो पानी का रिसोर्सेज है उसको सही तरीके से मैनेज करना है हां जी नेशनल टारगेट उसके हैं पेरिस अग्रीमेंट के चलो अगला देखते हैं थर्मल रिएक्टर प्रोड्यूस एनर्जी बाय फ्यूजन ऑफ फॉलोइंग न्यूक्लियर फ्यूल्स क्योंकि ना एक पर्सन सबको कुछ नहीं कर सकता सिंपल सी बात है वो आपको पता होना चाहिए मेरी में से सारे खुश नहीं हो डिसलाइक कम हो गया जल्दी देखिए अरे ये तो मैं ध्यान ही नहीं दिया अभी दो बोले थे एक हो गया नाउ हेटर आर आल्सो लविंग मी या फिर इसे गलती से दब गया होगा उसने ठीक कर दिया होगा ऐसा भी होता है कभी कभी ये हुई ना बाद मैंने हेटर्स का दिल जीत लिया

टू थर्टी नाइन प्लूटोनियम आ गया तो इस वजह से इसमें फ्यूजन होता है फ्यूजन होता है क्या है फ्यूजन होता है कि ना हम क्या करते हैं हम आ, जैसे आग के गोले होते हैं एक्चुअली बिल्कुल वैसे ही थोरियम ना इसी तरीके के आ, सबस्टांस है तो इनका रिएक्शन कराया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर और ये एक दूसरे को धक्का मारते हैं और उसके बाद ये बिखरते हैं तो उसको फ्यूजन बोलते हैं जब साथ आकर ज्यादा एनर्जी क्रिएट करते हैं उसको फ्यूजन बोलते हैं फ्यूजन हाइड्रोजन के आइटम्स की वजह से होता है ठीक है न्यूक्लियर कंटेन ओड नंबर्स जो होता है उससे पीजन होता है एंड फ्यूजन का रीजन हाइड्रोजन वाला है लिखा होगा हाइड्रो दब जब दो हाइड्रोजन एटॉम्स आपस में फ्यूज करते हैं मिलते हैं तो और बड़े बन जाते हैं उसको फ्यूजन बोलते हैं नेक्स्ट नॉइज पॉल्यूशन मेजर किया जाता है टेचिवल में तो किस में मेजर किया जाता है बताइए ठीक है सो वाट पर मीटर स्क्वायर ठीक है क्यों क्योंकि ना जो नॉइस पोल्यूशन है नॉर्मल वाला इस चीज को मैंने बहुत बार समझा रखा है उसको हम जीरो डीबी लेकर चलते हैं क्योंकि जीरो डीबी यानी कि हम नॉर्मल टॉक जो करते हैं उसकी जो नॉर्मल नहीं है ये है कि कितना कम से कम हमारा कान सुन सकता है ठीक है हमारा ईयर जो है उसको वो जितना भी सुन सकता है कम से कम उसको हमने जीरो डी बी दे दिया और उसके यहाँ पे अगर हम इंटेंसिटी में ना पे तो ये टेन रेज टू द पावर माइनस ट्वेल्व होता है और जो माइनस ट्वेल्व होता है इसको पीको बोलते हैं तो इसलिए ये वन पीको वॉट हो गया मीटर पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर ठीक है ऐसा <laughs> खेल रहा है तो खेल रहा है कर रहा है हटा रहा है कर रहा है हटा रहा है उसको छोड़ो यार पढ़ाई करो कैटेगरी ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल बताओ उसके ऑब्जेक्टिव के साथ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो आप मैं बिल्कुल साइड पे हूं इन्वायरमेंट और के की ऑब्जेक्टिव कैटेगरीज को उसके एग्जांपल से मैच करेंगे अच्छा गुड टू सो यहाँ पे क्या देगा इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इन्वायरमेंटल अवेयरनेस हेल्प करता है सोशल ग्रुप को इंडिविजुअल्स को कि वो क्वार करें सेंसिटिविटी टोटल इन्वायरमेंट हमें पता होना चाहिए कि हमें इन्वायरमेंट को बचाना है ठीक है उसके बारे में हम सेंसिटिव होने चाहिए नॉलेज का मतलब उसकी जानकारी जानकारी में क्या आता है कि सोशल ग्रुप इंडिविजुअल वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस देखें अब नॉलेज कैसे लेंगे एक्सपीरियंस लेकर लेंगे ठीक है ऐसे इन्वायरमेंट की तरफ एटीट्यूड इससे सोशल ग्रुप या इंडिविजुअल जो है वो बहुत कहेंगे क्या है एटीट्यूड होता है कि हमारा किसी भी चीज के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव नजरिया उसको एटीट्यूड बोलते हैं ठीक है ठीके? टल प्रॉब्लम करते, करते, को क्योंकि स्किल में हम लोग प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं देखो रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो होती है उसमें हम किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं तो मतलब उससे आपको स्किल्स आती है तो यहां से भी आपका बन जाएगा ठीक है सो so, नेक्स्ट हाँ, किसी चीज को पॉजिटिवली लेना या लेना ये हमारा आगे से एटीट्यूड कहलाता है कि हम कैसे एटीट्यूड के पर्सन इनमें से कौन सा वाला सेमीकंडक्टर मटेरियल है जो कि फैब्रिकेटेड सोलर सेल के लिए यूज होता है कौन कौन यूज करते हैं सिलिकॉन तीन ऑक्साइड कैडमियम सल्फर सल्फाइड गैलियम ये सारे ही यूज होते हैं अभी कोई बच्चा मेरे को नया होगा ना वो हो बोलेगा मैम पूरी लिस्ट दे दो मैं दे देती लो मजे करो मेरे मेरे पास पास पूरी लिस्ट है मेरे पास कमी थोड़ी है कंटेंट की तो ये दिस इज द फुल लिस्ट जो जो सैमी कंटेक्टर को बनाने के लिए यूज होता है ठीक है खत्म नहीं, नहीं हुई ये लो एक और ले लो पुराने वाला को तो पता है मैम के पास है अगला मैच करेंगे पैथोजन एंड डिसीज सोस का क्या बताना तुम्हें अभिषेक जेर एग्जाम का होगा का छह सात आठ सत्रह अठारह उन्नीस इनमें से आपके सब्जेक्ट की प्रोबेबिलिटी वन बाय सिक्स है किसी भी दिन हो सकता है अभी आया नहीं है डेट। पैथोजन जो है ना जैसे कि वायरस का एग्जांपल बताना था पे। तो वायरस हो गया हेपेटाइटिस है, का जो इंजेक्शन भी लगता था वायरस की वजह से होता है वो और बैक्टीरिया कॉलेरा है प्रोटोजोआ कौन है डिसेंटरी समझाते हैं एक्चुअली क्या है वायरस की वजह से और क्या क्या होता है वो भी देख लीजिए जैसे कि वायरस की वजह से हेपेटाइटिस जॉन्डिस येलो फीवर हो जाता है गैस्ट्रोट्रीस हो जाता है ठीक है तो आप इसको बाद में भी पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेके देख लेना सॉरी हाँ सो वायरस बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ इनकी वजह से ये सब बीमारियां होती हैं तो बैक्टीरिया का एग्जांपल है जैसे ई कोली का है है जैसे आ, फंगी है, जैसे कि कि फंगी मशरूम प्रोटोसो का एग्जाम्पल है गार्डिया तो ये सब एग्जाम्पल है जो बैक्टीरिया होते हैं वो वन सेल के होते हैं वायरस जो होते हैं वो थ्रेड के तरह होते हैं ठीक है थीके? पार्टिकल्स होते हैं जो कि Uh, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे के वे साथ मिल मिलकर और बड़े बड़े फैलते रहते हैं जैसे कि आपका कोरोना भी वायरस में ही आएगा पैथोजन में ही आएगा सार्स है इसका एक जो पहले से ही देखा जा रहा है देन फंगी सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें मशरूम यीस्ट वगैरह होते हैं इनके सिंगल सेल भी हो सकते हैं इनके थ्रेड भी हो सकते हैं एंड देन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है वो होते हैं प्रोटोजोआ अब बस भाई इतना क्या पढ़ाएंगे बच्चों को इनमें से कौन सा वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में नहीं है बहुत तो आसान बहुत तो आसान है हाँ जी इनमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में नहीं है ओजोन वाला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इसलिए नहीं है सिंपल सी बात है आइडेंटिफाई करो सही सीक्वेंस ये सारे में आज जो करा रही और उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी हो रही है दो हजार बीस वाले क्वेश्चन है तो वो भी हो गए आपके और एक्सप्लेनेशन भी हो गई मैं कौन से कॉलेज में पढ़ती हूँ पढ़ती थी मैं अनअकैडमी पे पढ़ाती हूँ आई एम फुल टाइम एडोकेटेड एट एन अकेडमी डेली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स डेली यूनिवर्सिटी से मैं कर चुकी हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन एंड आई स्टूड फर्स्ट इन माई बैच तो मैं फर्स्ट भी आई थी सो आइडेंटिफाई so, करना है सही सिक्वेंस कंट्रीज का जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो so, सबसे ज्यादा वही होगा ना कूअर्स क्वर्ज वाली ट्रिक है यहाँ पर ठीक है तो चाइना यूएस और उसके बाद कौन आ रही है यूरोपियन यूनियन देन रशिया अरे आगे जाओ सो यहाँ पे बन जाता है क्वर्ड चाइना क्विज क्विज ठीक है तो ऐसा करके क्विज करके आपने बनाया था तो उसके आगे आपने जी बुरा लगा दिया था तो उस तरीके से यहाँ पे सीक्वेंस है इसमें से कौन सा वाला इमिट किया जाता है कोल थर्मल पावर प्लांट्स के द्वारा बताओ जो कोयले पे चलते हैं थर्मल पावर प्लांट उनसे कौन से वाले इमिशंस होते हैं मैंने कॉमर्स से किया है आप इंदू कॉलेज से पास आउट हो अच्छा हाँ बिल्कुल साथ ही है हिंदू कॉलेज हिंदू तो बगल का है ऐसा उधर हम उधर स्टेट बैंक था ना वहां कभी कभी जाना पड़ता था शायद ड्राफ्ट बनाने के लिए जाते थे वहां पे अच्छा तो इनमें से कौन सा वाला इमिट होता है फ्रॉम कोल बेस थर्मल पावर प्लांट कार्बन मोनोक्साइड ठीक है ओजोन इसका नहीं है कोल बेस का ओजोन का तो रेफ्रिजरेटर फॉर्म इंडस्ट्री सोलवेंट वगैरह ऐसा है सल्फर डाइऑक्साइड और मिथेन भी दूसरे वेटलैंड वगैरह दूसरे सोर्सेज हैं यहाँ पर और पार्टिकुलेट मैटर तो खैर निकलेगा ही कहीं से भी क्योंकि पार्टिकुलेटर मैटर छोटे छोटे कर्ण मिट्टी है तो हर जगह से निकल ही आते हैं सो इमिशन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है कार्बन मोनऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड क्लोरोफ्लोरोबन्स पार्टिकुलट मैटर फ्लाई एश जैसे होते हैं सूत होते हैं ये सब निकलते ही हैं अगर आप कोल कोयला को खान से निकालोगे तो वहाँ पर धूल मिट्टी तो होगी वही

मैं 2014, 2012-14 में गया था। तुम तो अभी गए होगे। तो इसलिए मैं नहीं मिली होंगी वहां पर वैसे चक्कर लगा लेती हूँ साल में एक बार अभी आ गई थी। एक बार या दो बार हां जी सो स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन कहते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कंटेमिनेट मोर कॉमनली जो फाइंड किए जा सकते हैं ग्राउंड वाटर में देन इन हाँ इन सरफेस वाटर क्योंकि ये बात तो सही है कि ये बेसिकली ग्राउंड वाटर में ज्यादा होते हैं और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वन ऑफ क्राइटेरिया पैरामीटर टू डिटरमिन ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी को डिटरमिन करने के लिए ये थोड़ी होता है अरे भाई इससे तो ड्रिंकिंग वाटर दूषित होएगा ठीक है इससे चेक थोड़ी ना कर पाएंगे समझे तुम उज टर्टीन से पास आउट हो अच्छा ग्रेजुएशन की बता रही होगी फिर प्रोस्ट ग्रेजुएशन तुमने फोर्टीन में की होगी ना 14 to 16. Identify करो सही कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो मेरा रिसर्च टॉपिक सोशल कैपिटल इस पर मैंने रिसर्चेस की हैं इंटरनेशनल जर्नल्स पे में मेरी पब्लिश भी हो चुकी है साउथ एशियन जर्नल इंटरनेशनल जर्नल में आइडेंटिफाई करो सही सीक्वेंस कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो कर दिया ये क्यों होता है वैसे जब हमें बायोमास बनाना है ना मतलब जब हमें बायोगैस बायोमास से बायोगैस बनानी है तब उसमें सही मात्रा में कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो का होना बहुत जरूरी है ठीक so, है सो तभी ये बन सकती है जैसे कि सोडस्ट uh... ये मैंने सीक्वेंस दे रखा है तो देखो भाई जो स्ट्रॉ है उससे साठ से दो सौ कार्बन का नाइट्रोजन को बेस माना है हर जगह वन पे तो जो शुगर केन गन्ना होता है तो इससे काफी कार्बन टू नाइट्रोजन की रेशियो है वन फिफ्टी है यहाँ से तो इधर अगर हम देखेंगे तो फिर सबसे पहले क्या आगे यहाँ पर पेपर पेपर का दिखाओ पांच सौ के आसपास होगा पेपर पेपर आगे अगले पेज पे शायद मैं लाई हूँ पेपर वाला हाँ ये रहा वन सेवेंटी वन सेवेंटी पेपर का वन सेवेंटी इज टू वन है ठीक है पेपर का काफी का ज्यादा है कंसंट्रेशन पेपर का वन सेवेंटी है एंड देन उसके बाद क्या आता है लीव्स फॉलिएज लीव फॉलिएज बेसिकली लीव जो होती है पत्तियां तो उनसे काफी रिलीज होता है तो मैं यहाँ पे आगे दिखाई देती हूँ तो इनका सिक्वेंस ये बना रखा है मैंने और उसके अलावा फिर फूड वेज और इस तरीके से आप देख सकते हो इनको आपने ध्यान देखना है काउडंग एक बार को देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में बस मेंस पूछते हैं किसका ज्यादा है, किसका कम मिक्स पेपर मैंने बताया वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड के आसपास वन सेवेंटी आप कह सकते हो सात सौ भी है यहाँ पे कौन सात सौ वुडी चिप्स से कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशो है वो काफी ज्यादा है ये रहा न्यूज पेपर न्यूज पेपर है ना वन ये वाले सिक्वेंस भी हो जाएगा सौ डस्ट जो होता है वो चलो अब आगे निकलते हैं ये खाद बनाने के काम आता है तो उसके लिए सही मात्रा में आपको कार्बन और नाइट्रोजन की रेशियो चाहिए अकॉर्डिंग टू नॉइज पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन के हिसाब से ये तुम बहुत गलत कर रहे हो मैं उधर पढ़ा रही हूँ तुम पीठ पीछे बातें करते हो मैसेज डिलीट कर देते हो मैं जॉब नहीं मैं प्रोफेशन में हूँ ठीक है जितनी एक एवरेज पर्सन की सैलरी होती है उतना मेरा जीएसटी टैक्स जाता है उससे ज्यादा तो ऑलरेडी मैं अपनी एंड में काफी अच्छा अर्न भी कर पा रही और अपनी लाइफ में अच्छे लेवल पे हूँ अकॉर्डिंग टू नॉइज पोल्यूशन रूल टू थाउजेंड नाइट टाइम नॉइज स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब जो किया गया है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक साइलेंट जोन पे आते हैं ठीक है थीके? और साइलेंट जोन के हिसाब से फिर यहाँ पे नाइट टाइम में फोर्टी आया समझ गई यस सो कैसे यहाँ पे हम देखते हैं आई सी आर एस आई सी आर एस के हिसाब से हमने से पे किया सेवेंटी फाइव उसके बाद मैंने क्या करवा दिया था आपको ट्रिक कि इसके बाद टेन कम करो सिक्सटी फाइव फिफ्टी फाइव एंड सिर्फ 5 कम करना लास्ट आपको ट्रिक कराई थी टेन माइनस किए टेन माइनस के फोर्टी फाइव टेन माइनस के फोर्टी तो ऐसा करके हमने ये भी याद कर लिया मतलब ये सिक्वेंस याद रखो सुबह और रात का आपने फटाफट से निकाल लेना पेपर में और कोई भी आंसर आ जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन सो so, इनमें से कौन सा वाला नहीं है मिशन अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज नेशनल एक्शन प्लान तो वाला में नहीं है, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ठीक है नाच्च, नाच्च नाच्च प्लाग प्लाग so, देखो अभी पता क्या है कि जब आप जॉब करते हो तो सिर्फ आप खुद सैलरी खरीद ले पा रहे हो लेकिन जब आप अपने प्रोफेशन में होता तो अपनी वजह से बाकियों को भी अपने अंडर रखे उनको भी काम करवा पा रहे है तो ये क्या हो गया

सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर और नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हाई क्लास प्लेयर यानी कि हिमालय और क्लास मतलब क्लाइमेट चेंज हाँ क्लाइमेट चेंज का भी इसमें है तो उन्होंने नैप्स के दे दिए थे दो बीच उस में उसमें तो अंडर विच ऑफ़ फॉलोइंग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस इन वर्ल्ड एज अ होल इन लीज किसके अंदर सबसे कम मिला हाँ जी बताइए अब मैं नीचे आ गई हूं गुड सो so, सबसे कम uh, यानी कि कौन सा गोल अचीव नहीं हुआ है बहुत कम हुआ है अचीव तो वो है हमारा पहला ही हंगर और पॉवर्टी वाला ठीक है सो हमें जो हंगर और पॉवर्टी को हंगर को भुखमरी को कम करना था यही सबसे कम अचीव हो पाया है भुखमरी अभी भी बहुत है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नंबर फाइव रेशो उेंड फिफ्टीन वॉज रिड्यूज कितने से रिड्यूस हो चुकी है भाई कितने सारे बच्चे हैं सभी अपना अपना योगदान करो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक हो पसंद नहीं आ रही तो डिसलाइक हो नंबर तो इक्वल करो मे कोई परवा नहीं है तुम करो तो सही कुछ अंडर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नंबर फाइव रिड्यूस बाय थ्री क्वार्टर यस सेवेंटी फाइव परसेंट से कम आया ठीक है हाँ नंबर तो देखे उतने देखे चाहिए दोनों जगह जा मर्जी करो लेकिन करो तो सही लाइक याट इज आई ऐम ओपनिंग सही टेलिंग यू मैं ओपन कह रही हूँ

अकॉर्डिंग टू सही सीक्वेंस बताओ कार्बन कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ कार्बन इन हाँ जी अब भाई ये घूम फिर के क्वेश्चन आ रहा है देख रहे लो पिपर आयमेंट बस यही है कि ना टाटा है याद करने वाला सीक्वेंस वाला सीक्वेंस ही करते हैं ये भी अच्छी बात है नंबर नहीं पूछते सबसे जरूरी आपको पता ही होगा बाय बाय दोनों में से आपने चेक करना था फिर ठीक है अब सीक्वेंस कुछ इस तरीके से है कि कॉल फॉसिल फ्यूल सबसे ज्यादा जनरेट करता है और फिर लेगनाइट कॉल है कॉल के ही है ये पार्ट सोयल ऑर्गेनिक फिफ्टी एट और पीट जो होता है पीट मैंने अभी दिखाया भी था अभी अंकल आ जाएंगे शायद आगे नहीं आए तो तुम गूगल सर्च करके देख लेना बहुत सारा डाटा है ये आ गए तो जी ये पीट होता है ये भी एक तरीके से कॉल का ही टाइप है और ये पीट होता है सो so, फिर आ गया लेक वाला लेकिन क्वेश्चन इज डिफरेंट नाउ पहले क्वेश्चन दूसरा था अब क्वेश्चन दूसरा है गिवन बिलो टू टे असर्शन एंड रीजन और उसके बारे में बताओ हाँ मोस्ट पुअरेस्ट फॉर्म होती है वो कॉल की सो so, फोर्थ वाले जीते यस yes, बड़े मजे आ गए लेक जो है कम प्रोन है अभी तो बताया था लेक में पोल्यूशन ज्यादा हो सकता है क्लास में है तो दूसरा वाटर इन लेक गेट नेचुरल नेचुरल प्रोसेस नाच्रल प्रोसेस के द्वारा होता है उसमें अ, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस क्योंकि वहां पर वैसे ही वो इतनी झीले पतली होती है तो नेचुरल प्रोसेस के बारे में सात बट उनको डिकेज लग जाते हैं बहुत सालों लग जाते हैं और यहाँ पॉल्यूशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रीदर सो वट यू अंडरस्टूड फ्रॉम क्वेश्चन क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है ये पता चल रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं अभी रिपीट हुआ कंसेप्ट क्लियर किया यहाँ पे आ गया अपना, लग गया कंसेप्ट आइडेंटिफाई करो सीक्वेंस पेपर डिफिकल्ट नहीं है पूरा रिपीट चलता है बस सीक्वेंस करना दिमाग है हाँ आईपीसीसी की रिपोर्ट के हिसाब से इमिशन में सबसे कम इमिशन कौन करता है फ्रॉम दीज ऑप्शन ये आईपीसीसी की रिपोर्ट से ही बताना है लो जी सिक्वेंस ले लो अभी मैं आईपीसीसी की रिपोर्ट करानी है पता है आपको न्यू वाली आगे मैं कराऊंगी अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी करा दूंगी मैं मैं एनर्जी सेक्टर की फोर्टी सेवन इंडस्ट्री की थर्टी ट्रांसपोर्टेशन इलेवन एंड देन कंस्ट्रक्शन थ्री तो कंस्ट्रक्शन तो था नहीं ऑप्शन में तो ट्रांसपोर्टेशन ही आया ना फिर यहाँ पे इन्होंने यही बोला और कोई बोला ही नहीं तो सिक्वेंस ध्यान रखना अगली बारी यस yes. ये नहीं आता तो था अब आ गया ये सीक्वेंस है कलरफुल स्लाइड में अगर आप देखोगे तो तो इलेक्ट्रिसिटी हीट प्रोडक्शन इंडस्ट्री उसके बाद एग्रीकल्चर तो ये इन्होंने सीक्वेंस बताया है ग्लोबल वार्मिंग कि इतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है इन सेक्टर से बस बहुत हो तो गया हम इतना ज्यादा नहीं पढ़ते सेकंड नंबर का जो गोल है वो क्या है वजह आ गया हमारा पहला इंजीनियर गोविंद चौधरी मेरी ट्रिक नव लर्नर्स की ट्रिक तो यहां पर बताएगी सेकेंड नंबर कौन था यस yes. हमारा पहला जो है वो फर्स्ट में है इंजीनियर यानी कि एजुकेशन एजुकेशन अपनी सेकंड में है ठीक है हो गई बल्ले बल्ले बहुत बढ़िया इन में से कौन से वाले एलिमेंट है जो मोस्ट एबंडेंट है ड्राइड सीवेज स्लज के अंदर अच्छा बताओ क्या बात है क्या बात है <laughs> सारे अब सीवर का पानी पियो कैल्शियम बहुत ज्यादा उसमें एक्चुअली ये रिसर्च पता चला परसेंट तक कैल्शियम होता है ठीक है यस ये yes. ये देखो ये रिसर्च में आया है कांगिया आंखें खराब हो गई है तुम देख लो लिखा होगा कहीं दिखा होगा कहीं पक्की बात है दिख नहीं रहा तुम देख लो क्या लिखा हुआ ये रहा सेवेंटी थ्री परसेंट ठीक है सेवेंटी थ्री परसेंट डिजॉल्व ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वाटर क्वालिटी का जो जरूरी है सर्वाइवल किसके सर्वाइवल के लिए <laughs> सो तो फिश फिश भाई मछली रहेगी ना पानी में और कौन रहेगा डिजॉल का मतलब क्या होता है घुली हुई और घुली कहाँ रहेगी वो पानी में तो वहाँ मछली रहेगी उसके लिए जरूरी है वो बाकी सब तो ऊपर रहते हैं पानी के आइडेंटिफाई करो सही सीक्वेंस डिक्रीजिंग वाटर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ फॉलोइंग कार्बन रिजर्वायर एक्वाटिक एनवायरमेंट ऑफ ओशियन हाँ जी <laughs> अच्छा मिल्क भी कुछ नहीं होगा कैल्शियम नहीं मिलेगा सीवर के पानी से मिलेगा कैल्शियम मछली वाला हाँ जी <laughs> तो कुछ ऐसा घाटा है यहाँ पर तो सबसे ज्यादा सेडिमेंट्री उससे कम ऐसा uh, साइड के अंदर ही लिथोस्फेयर के अंदर आता कैरोसीन तो ये अपना सीक्वेंस है एटमोसफेयर में सबसे ज्यादा डीप लेयर और यहाँ पे सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल तो कार्बन के ही कार्बन के पीछे पड़ गया एन कार्बन को तोड़ मोड़ के कभी उसका कुछ पूछता है कभी उसको कुछ पूछता है कभी कार्बन नाइट्रोजन पूछता है कभी पूछता है बुलाओ इतना डाटा कार्बन का तो ये सीक्वेंस देख लें यहाँ से मिटिगेशन मेजर ताकि फ्लड से बचा जा सके अपनी आंखों में बसा के कैसे याद करें याद तो करना ही नहीं ना गलत बात याद किया तो अपनी आईज में बसा लेना है उसको पिक्चराइज कर लेना है पेपर में लिखा हुआ आएगा उसको बस अरेंज करना है Mitigation strategies में अगर आएगा तो फिर एलिवेट करना है प्रोटेक्ट करना इलेक्ट्रल सर्विस पैनल को मतलब रोकथाम कैसे करते हैं अच्छा ये वो कह रहा है बाढ़ से बचना है तो मिटिगेट यानी कि उसकी रोकथाम कैसे करें उसके उपाय कैसे करें ठीक है तो हमें जो इलेक्ट्रिक सर्विस पैनल होते हैं उनको बचाना पड़ेगा क्योंकि बाढ़ में वो फिर और इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट कर देंगे अपसाइज करना पड़ेगा कलवर्ट्स टू बैटर आ, हैंडल फ्लड सर्ज इसका मतलब कि जैसे दीवारें होती है वो खड़ी करते ज़्यादा तो फ्लड का जो सर्ज है वो वहाँ वापस चला जाए प्रोटेक्ट करना फैसिलिटी विद बैरियर एंड सैंड बग्स सैंड बैग क्योंकि सैंड ना सोख लेती है इसलिए पेड़ों को रिमूव करने के लिए कोई नहीं गएगा ये कॉमन सेंस वाला बच्चा भी आंसर कर देगा यहाँ से तो फिर ट इक्विपमेंट्स यस फ्लड प्लेन में अगर कुछ इक्विपमेंट्स है तो उसको वहां से दूसरी जगह रखवा दी जाए ऐसे भी कर सकते हैं हाँ जीशन एंड रिच हाँ बिल्कुल सही बात है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आज मजे ही आगे क्लास में बल्ले बल्ले हो गई अच्छा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड लाइक वर्सेस डिसलाइक तुम्हें जो करना करो लेकिन यहाँ पे जस्टिस करो लाइक और डिसलाइक उतने ही होने चाहिए जितने बच्चे हैं मतलब कि तुम्हें लाइक like करना है like लाइक करो डिसलाइक करना है डिसलाइक करो नंबर तो सेम दिखाई दे अच्छा सो असर्शन एंड रीजन ए इज नॉट करेक्ट आर इज करेक्ट बाय क्योंकि हाइड्रो फ्लोरो की अभी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम है हाइड्रोफ्लोरो uh, की नहीं है क्लोरो की है ठीक है यस सो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इमिशन करता है सीएफसी उससे कम थोड़ा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और उससे कम हाइड्रोफ्लोरोबन क्लोरीन ही ऐसा है जो कि जा जाके धक्के मारता है और खराब करता है ठीक है समझे तो इस वजह से इसको अभी फेज आउट करने की जरूरत नहीं है अभी जो इंडिया आया है उसमें ठीक है कैसे सेम हो सकते हैं अरे भाई मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितने नंबर ऑफ पीपल देख रहे हैं वीडियो उतने टोटल कुल मिला के टोटल उतने के बराबर होना चाहिए मैथ्स में समझते तुम मतलब पता चले कि सबको पसंद आया किसी को पसंद नहीं आया वो चीज इक्वल हो मैं ये कह रही हूँ तो तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम वैसे कर सकते हो बट नंबर इक्वल करो टू पुट वर्ड ऑन लीज को इंडस्ट्रियल लेवल सो कहता है कि ना जो uh, क्या करना चाहिए ग्रीन हाउस मिशन टू थाउजेंड थर्टी तक कितना 2027 ये आईपीसीसी की रिपोर्ट थी ठीक है इसमें ये कहा कि 2017 के मुकाबले हम लोगों को जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट इमिशन है उसको कम करना है वो कितने परसेंटेज कम करना है ऐसा क्वेश्चन कह रहा है ठीक है अच्छा आईपीसीसी की रिपोर्ट है सो ट्वेंटी फाइव परसेंटेज सो देयर इज नो हिंट ऑफ ग्लोबल पीक यहाँ इसको छोड़ो यहाँ पे आओ सीधा मस्ट बी एंड लोअर तो ये ट्वेंटी फाइव परसेंट कम करना है और टू थाउजेंड थर्टी के मुकाबले फिर वहां पे फिफ्टी परसेंट तक वहां जाके कम कर देना है और जो हमारा टेम्परेचर राइज है वो टू डिग्री सेल्सियस पहले लेकर आना है उसको राइस को फिर तो उसको वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस तक लेके आना है ऐसे क्योटो प्रोटोकॉल पेरिस रियो और सोलर अलायंस आ चुका है हाँ जी बताओ जी बताओ इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स के प्रोविजन में अच्छा मैं पढ़ाए जा रही हूं ये क्या बात हुई <laughs> टाइम तो हमारा का खत्म हो गया है तो रिलेटेड है, है, है ऐसे पैरिस अग्रीमेंट का नेशनल डिटर्मिन कंट्रीब्यूशन से आंसर आ जाएगा का रियो समित का कन्वेंशन है बायोडाइवर्सिटी पे उस पर एक कन्वेंशन साइन हुई थी रियो समित में बेसिकली तीन कन्वेंशन साइन हुई थी एक तो बायोडावर्सिटी वाली एक यूएनएफसीसीसी वाली Uh, ये, हाँ, ये वाली। एक डेजर्टिफिकेशन वाली ठीक है तो ये तीन साइन हुई थी तो सोलर एनर्जी के बारे में बोलता है जे आर एफ इज माइन अच्छे से पढ़ाई करो यू कैन डू इट खुश रहो और हमेशा मजे में रहो ऑल द बेस्ट रात को दस बजे मिलते हैं कम्युनिकेशन के एमसीक्यूज के साथ फॉर Exam series. Thanks to everyone.